हैं, धोती कुर्ता में भी होते हैं अच्छे लोग, और गलत लोग हर वेश में हो रहे हैं, आपके वेश में हो रहे हैं, साधु कपड़े में भी गलत वेश गलत लोग हो रहे हैं। इसीलिए तो गलत होने के नाते साधु कपड़ा पहने हैं रहनी सही नहीं है, या गलत लोगों का आधार ले रहे हैं, इसीलिए तो जेल के हवा भी खा रहे हैं। तो आज आवश्यकता है अच्छे लोगों के पास उठने बैठने। तो मैं कह रहा था साधु संगति करने के लिए, साधु संगति, साधु कौन जिनकी संगति करनी चाहिए, तो साधु वह है जिनका मन क्रम वचन पवित्र है, जिसकी कथनी और करनी एक है, वे साधु हैं। जो मुख से तो अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं और उसके अनुसार जीवन जी नहीं पा रहे हैं, उसके अनुसार वो चल नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम साधु नहीं कह सकते। हाँ, वो दूसरों को सीख दे रहे हैं, यह तो ठीक है, किंतु स्वयं उसके अनुसार चल नहीं पा रहे हैं, तो अच्छी सीख कहीं का हो लेना भी तो चाहिए। तो मैं कह रहा था साधु संगति करें, और साधु संगति के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता है। एक बार गांधी जी से एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि बापू जी, आप देखने में कोई बहुत सुंदर नहीं है, ना ही आपकी भाषण में कोई कलाबाजी है, ना ही आप कोई विशेष पढ़े लिखे हैं, और न ही आपकी कोई शारीरिक पर्सनालिटी है, किंतु क्या कारण है पूरा भारत आप पर लट्टू है। तब गांधी जी ने कहा था कि मुझ में और कोई विशेषता हो या ना हो, जिसे मैं अच्छा समझता हूं उस पथ में चलने के लिए कमर कस लेता हूं, और जिसे मैं गलत समझता हूं उसको छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूं। यही अच्छा आदमी का पहचान है, मतलब सत्पथ में चलने के लिए कमर कस लेना और दुर्गुणों को छोड़ने के लिए कमर कस लेना, यही अच्छा आदमी का लक्षण है। आज आप देख लीजिए, आदमी के पास सब सेट है कि नहीं, मोबाइल सेट तो है ना, हर आदमी जेब में है या हाथ में है, ये तो छोटा मोबाइल है, बड़ा बड़ा मोबाइल है हर आदमी के पास, हर आदमी के पास मोबाइल सेट है, सोफा सेट है, डायमंड सेट है, कंप्यूटर सेट है, सब सेट है ना, किंतु माइंड माइंड सेट में है कि अपसेट है, सोचिए आप ही। हमारे पास सब सेट तो है, किंतु माइंड अपसेट है कि नहीं, तो उसी अपसेट माइंड को ठीक करने के लिए ये साधु संगति की आवश्यकता है। माइंड अपसेट है तभी तो बोतल के बोतल उड़ेल रहे हैं कि नहीं, माइंड अपसेट है तभी तो पन्नी वो गुटका पन्नी का गुटका दांत से नोच नोच के मुख में डाल रहे हैं कि नहीं, माइंड अपसेट है तभी तो दारू घर में घर घर में कला है कि नहीं, सास बहू में कला है, भाई भाई में कला है, देवरान जेठान में कला है, अरे गुरु शिष्य में भी कला है, गुरु भाई में भी कला है, लड़ाई छिड़ी है कि नहीं, तो उसी कलह को दूर करने के लिए ही तो साधु संगति की आवश्यकता है, और उसी के लिए तो आप हम संतों के पास जाते हैं। जैसे आप अन्य जगह जाते हैं तो रुपये पैसे जैसे खेती करेंगे अन्न की प्राप्ति होती है, व्यापार करेंगे तो द्रव्य की प्राप्ति होती है, किंतु साधु संगति करने से आपको क्या मिलेगा, कोई अर्थ द्रव्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि संतों के पास जाने से, सेवा भक्ति करने से, या किराया भाड़ा लगा करके जाते हैं तो और रुपये खर्च होता है,
किंतु साधु संगति करने से वो चीजें मिलती है जो चीजें दुनिया से नहीं मिलती है। वो है जीवन जीने की सीख, जीवन जीने की प्रेरणा, अच्छे संस्कार मिलती है। देखो इस समय छत्तीसगढ़ है ये, और छत्तीसगढ़ में बघेल का डंडा चल रहा है कि नहीं? यहाँ के मुख्यमंत्री बघेल है ना, और उनका डंडा चल रहा है इस समय, और केंद्र में मोदी का डंडा चल रहा है ना। चाहे कोई भी प्रदेश के सरकार हो या केंद्र के सरकार हो, अपने सरकार के पास अनेक विभाग है, जैसे खाद्य विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग है कि नहीं, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग है ना। सभी विभागों को चलाने के लिए सरकार के पास मिनिस्टर हैं, चाहे वो प्रदेश हो चाहे केंद्र में, है कि नहीं। और सभी विभाग के मिनिस्टर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, कम विशेष अपने अपने विभागों को चला रहे हैं। किंतु जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को निर्मल बनाना, जीवन को पवित्र बनाना, यह भी तो एक विभाग है। क्या इसके लिए सरकार के किसी मिनिस्टर को सोच है ना? आपके मुख्यमंत्री को ही सोच है ना, प्रधानमंत्री को सोच है? क्या बघेल कोई खोल पाए दुकान? रायपुर में देख लो या और कहीं देख लो, रायपुर तो आपकी राजधानी है ना। घड़ी बिगड़ी, साइकिल बिगड़ी, मोटरसाइकिल खराब हो रहा है, फोर व्हीलर खराब हो रहा है, तो उसको सुधारने के लिए कितने दुकानें हैं, और मनुष्यों को सजने के लिए जैसे गाड़ी का श्रृंगार किया जाता है, वैसे शादी के समय लड़के और लड़की का भी तो श्रृंगार होता है कि नहीं? तो उसको सजने के लिए आपके छोटे बड़े हर शहरों में, कस्बों में एक से एक श्रृंगार की दुकानें, सात श्रृंगार की दुकानें खुली हुई है। किंतु जीवन को निर्मल बनाने के लिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए क्या किसी सरकार ने किसी गांव में या कस्बा में या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में या राजधानी में दुकान कोई खोला है? कोई नहीं खोला है। बस वही विभाग ये सत्संग है, सत्संग ही यह विभाग है, और यही मनुष्य का निर्माण होता है, यही जीवन का निर्माण होता है, और आज उसी की आवश्यकता है। और इसी के बिना आज आप सर्वेक्षण करके देख लीजिए, किसी को पेट भर भोजन न मिल रहा हो, तन ढकने के लिए कपड़े न मिल रहे हो, रहने के लिए मकान न मिल रहा हो, इसलिए लोग कम दुखी हैं। किंतु पेट भर भोजन करके, तन भर कपड़ा पहन करके, मकान के अंदर रह कर भी आदमी दुखी है, चैन नहीं है, बिस्तर में लेटे तो हैं, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि रहन सहन अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, संस्कार अच्छा नहीं है। इसीलिए तो रात भर करवटे बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो इसी को ठीक करने के लिए ही ये साधु संगति है, इसी को ठीक करने के लिए अच्छे लोगों के पास उठने बैठने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था अच्छे लोगों के पास हम उठे बैठे हैं, और साधु, साधु का दूसरा अर्थ होता है जो अपने को साधे वो साधु है, अपने को साधना है। अपने को साधने का अर्थ यह नहीं जो हर दिन बाल को घुटवा रहा हो, या जिसका जो अपने चेहरे में पाउडर और क्या क्या आजकल क्रीम निकला हुआ है, आप लोग अधिक जानते हैं, जो हर दिन लगा रहा हो उसको नहीं कहा गया है, या जिसकी भाषण में कलाबाजी है उसके लिए नहीं कहा गया। यहां साधु का अर्थ है
जिसकी जैसा वो बोलता है उसी ढंग का उसका आचरण भी हो। कहने का तात्पर्य है जिसकी चाल चलन अच्छी, जिसकी रहन सहन अच्छी हो, ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से ही जीवन में प्रेरणा मिलती है। यूनान के एक शहर में, एथेन शहर में सुकरात नाम का महान दार्शनिक हुए हैं और आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं। गृहस्थ संत थे और उस समय के वो सुंदर चिंतक थे, विचारक थे, और वो तो इतना पहुंचा हुआ और उसकी पत्नी इतनी करकसा, थोड़ी थोड़ी बातों में वो उलझ जाती थी। एक दिन की बात है, कुछ काम से वो बाहर गए थे, बाहर काम करके घर लौट रहे थे, घर में उन प्रवेश कर रहे थे और उसकी पत्नी घर में जो कचरा इकट्ठा था उसको फेंकने के लिए बाहर घूर में जा रही थी। संयोग ऐसा, दोनों का मिलान घर के मेन गेट पर हुआ तो उसकी पत्नी उनको सुकरात को देखकर उलझ गई और इस ढंग से उलझी, जो कचरा का टोकरा सर पे रखी थी अपने पति के ऊपर उड़ेल दी। जैसे वो उड़ेली वैसे सुकरात ने कहा कि मैंने तो सुना था कि जो बादल गरजता है वह बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं, आज तो उल्टा हो गया, अरे गरज भी गया और बरस भी गया। यह वाक्य उसकी पत्नी सुनती है और अपने को संभाल नहीं पाती है, टोकरा फेंक कर उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि भगवान, बहुत दिन हो गए आपके साथ रहते, आपको आज तक मैं समझ नहीं पाई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कह करके उनके चरणों में झुक करके क्षमा मांगती है। तो यह है आचरण का प्रभाव, यह है संस्कार का प्रभाव। जीवन में अच्छा संस्कार, जब तक हमें संस्कार अच्छा नहीं मिलेगा हमारा जीवन सुखद नहीं हो सकता। संस्कार मिलेगा कहाँ? साधु संगति से मिलेगा। इसी छत्तीसगढ़ की घटना है, एक उदाहरण में सही घटना है, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह घटना करीब 85 की घटना है, गुरु जी का इसी छत्तीसगढ़ में एक गांव में 3 दिन का कार्यक्रम था, लंबा परिवार था। जब तीसरे दिन कार्यक्रम खत्म हो गया शाम को, तो करीब 7-8 बजे वो गुरु जी के पास आए, बैठे और बैठ करके कहने लगे कि गुरु जी, जो कुछ मतलब गुरु जी उनकी प्रशंसा किए कि आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया, आपके गांव अच्छे हैं, आपका घर परिवार अच्छा है। तब उस भक्त ने गुरु जी को कहा कि गुरु जी, ये आपकी ही देन है, पहले जब मैं आपसे नहीं जुड़ा था देवी देवता मानता था, पूछता था, जीव हिंसा भी करता था, सत्संग जानता ही नहीं था, किंतु एक बार आपका प्रवचन सुना, आपसे जुड़ा और मैं स्वयं दीक्षा लिया, घर वाले दीक्षित हुए, धीरे धीरे आपका समय समय से कार्यक्रम करने लगा, उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि क्या पूछना है, पूरा परिवार सुधर गया है और गांव में इस परिवार, हमारे परिवार का इतना अच्छा इम्प्रेशन है, आसपास में इतना अच्छा इम्प्रेशन है कि क्या कहूं मैं। पहले हमारे घर में गांव वाले या ये क्षेत्र के लोग लड़की नहीं देते थे, ना हमारी लड़कियों को ले जाते थे, मतलब हमारी लड़कियों को बहू बनाकर नहीं ले जाते थे, ना हमें लड़की देते थे, किंतु जब से मैं आपकी शरण में गया तो उसका इतना प्रभाव पड़ा कि अब हर कोई चाहते हैं कि अमुक के घर के यहाँ से हमें बहू मिल जाए तो ज्यादा अच्छा,
या अमुक के घर में हम अपनी लड़की को दें तो वहां उसका जीवन सुधरेगा, ऐसा लोग सोचते हैं, तो ये सब आपकी कृपा है, ये वो भक्त बताने लगे। तो यह है संस्कार। वो भक्त स्वयं गुरु जी की शरण में लगे, संतों का आधार पकड़े, तो मतलब पूरा परिवार सुधरा और गांव में समाज में उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ा। तो जीवन में अच्छे संस्कार की आवश्यकता है और अच्छे संस्कार मिलेंगे साधुओं की संगत में। और इसीलिए मैं कह रहा था कबीर साहब की वाणी उठा करके कि संगत की जय साधु की। जीवन में हमें अच्छे संस्कार साधु संगति से, संतों के पास आने जाने से ही मिल सकते हैं। सौभाग्य से आप हमको यहाँ सत्संग मिला हुआ है। अब आप हम समय निकालें और सत्संग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुधारें, अपने घर परिवार को संस्कारित बनाएं। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।